गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल द लाइफ राइट्स वंस अगेन। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मैं जाने वाला हूं आज फिर से एक नई राइड पे, लखनऊ से एमपी पन्ना फॉरेस्ट रिजर्व परा जंगल सफारी। तो यहां से बाइक राइड करके जाएंगे, बट आज की राइड में खास बात यह है कि मेरे पास बाइक ही नहीं है, तो मैं गियर अप तो हो गया हूँ, राइडिंग गियर्स मैंने पहन लिए हैं। तभी जाना है मुझे शोरूम और वहां से बाइक लेके मैं निकलूंगा राइड पे। फिलहाल एक फ्रेंड है राहुल भाई जो आ रहे हैं, उनका वेट कर रहा हूँ, उनके साथ जाऊंगा शोरूम तक एंड शोरूम से ये राइड स्टार्ट होगी। शोरूम से मैं एक नई बाइक लेके निकलूंगा राइड पे। आज का व्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है विदाउट बाइक, मतलब मेरी बाइक अभी है नहीं, उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो वो सर्विस सेंटर में है, तो नई बाइक लेके शोरूम से जाएंगे। तो सुबह सुबह शोरूम जाके नई बाइक पे ले लेते हैं और फिर निकलते राइड पे। भाई रेडी होके मैं तो आ गया हूँ रोड के पास, ये देखो बाहर आ गए, तो राहुल भाई आ रहे हैं, उनका इंतजार है। ये राहुल भाई और आज हम लोग जाने वाले साथ में, ये पिक करने के लिए आया मुझे और यहाँ से जा भाई से अभी पैसे लूंगा मैं इसको पिकअप करने आया जो देखते हैं कौन सी नई बाइक मिलती है शोरूम से। तो नई बाइक लेके आज जाने वाले राइड पे, तो आज का जो राइड है ना भाई तो अलग होने वाला है भाई, मैं अपनी बाइक से राइड नहीं करने वाला हूँ। राइड स्टार्ट कर दी, यहाँ से जा रहे हैं शोरूम के लिए और मतलब स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, और ठंडी ना बहुत तेज हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है लखनऊ में। अभी भी फरवरी का महीना है, मतलब मिड ऑफ फेब आने वाला है, लेकिन ठंडी कम बिल्कुल नहीं पड़ी और उल्टा बढ़ गई है। हवाएं इतनी तेज है कि पूछो मत, हालत खराब होने वाली है ऐसा लग रहा है। एमपी में तो शायद और ज्यादा ठंड होने वाली है। फिलहाल जा रहे हैं कांपते हुए स्टार्टिंग पॉइंट तक, लेकिन राइड करना जरूरी है भाई, ठंडी कितनी भी हो। आ गए हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे, अब उतरे कैसे जैसे ये है आमिर भाई और ये जयद भाई, हेलो, और ये है स्पीड मोटर है लखनऊ का शोरूम। यहाँ से अभी लेंगे नई बाइक और फिर निकलेंगे राइड पे। तो यही वो इंसान है जो हमको लेके आया है यहाँ पे और ये कुछ बाइक्स हैं लगी हुई है, राइडर्स आ गए और कुछ आने बाकी है अभी। ये है विशाल भाई और ये पंकज भैया, बढ़िया बढ़िया, बस नई बाइक निकालो तुरंत पहले निकाल के रख दी गई है ये देखो तो भाई ये खड़ी हुई है, इन्हीं में से कोई एक लेके जाएंगे। तो आज की राइड की सो स्टॉपर बाइक है भाई ये XR 900 और ये है पंकज भैया की जो कि एकदम नई है, नई बाइक है, पहली राइड पे जाने वाले हैं, ब्रांड न्यू बाइक, ब्रांड न्यू बाइक। अब यही शोरूम में भी डिलीवरी हुई है तो भाई बस राइड स्टार्ट होने वाली, सारे राइडर्स आ चुके हैं, ये देखो जयद भाई एकदम हम लोग निकलने वाले हैं, आप लोग फिकर ना करिए, ये हमारे प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर है। चलो निकलते हैं, ये देखो बढ़िया डिस्कशन चल रहा है, देखो ये आमिर भाई है और ये जयद भाई, बात मानो नहीं दबोगे आप मुझसे, ये देखिए मेरे साथ वो हो रही है, क्या नाम होता है भाई नहीं टांग अभी ये लाइनअप हो रहा है राइड स्टार्ट करने के लिए, बस थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से। नई बाइक भाई ये स्पोर्ट्स एडिशन है GS 310 का, ये ले लिए शोरूम से और निकल गए। तो इसमें देखो भाई USB पोर्ट भी लगा हुआ है, ये USB पोर्ट बाइक के साथ नहीं आता लेकिन आप अलग से लगवा सकते हैं। तो राइड के टाइम अगर आपको कुछ चार्ज करना है ऑन द गो तो उसके लिए पोर्ट्स बहुत बढ़िया हैं। तो राइड स्टार्ट हो चुकी है, आज की सुबह भाई काफ़ी अलग है, काफ़ी बढ़िया, मतलब ठंडी इतनी ज़्यादा हो रही है लेकिन आज तो सूर्य देवता जल्दी निकला है, 8-9 बजे अभी। तो भाई राइड स्टार्ट कर चुके हैं, ये देखो पूरा मेला लगा हुआ है, राइडर्स हैं, मतलब 10-12 राइडर्स हो ही गए, और ये बगल में पीयूष भाई खड़े हुए हैं, वो है विरुल भाई, और देखो सिग्नल ग्रीन हो गया, चलो चलते हैं। तो एक चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ भाई, कभी भी राइड करो तो राइड रिस्पॉन्सिबली और ट्रैफिक रूल्स वगैरह फॉलो करते रहिए, सिग्नल है तो रुकिए, सही तरीके से राइड करेंगे तो सेफ रहेंगे, खुद भी दूसरों को भी सेफ रखेंगे तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, कुत्ते भाई, कुत्ते यहाँ दिखे ना तो भगाना नहीं है, ये देखो स्ट्रेट, ये स्ट्रे डॉग्स अगर आपको कभी बाइक राइड के टाइम दौड़ा लेते हैं ना तो डर की वजह से भागना नहीं है। ये देखो आमिर भाई है, सिग्नल दे दिए स्पीड अप करने का,
राइड अभी स्टार्ट हुई है, 5 मिनट भी नहीं हुए और सारे राइडर्स यहाँ रुक गए, वेट कर रहे, पता नहीं क्यों रुके हैं। मतलब आगे वाले से पूछना पड़ेगा, कोई कनेक्टेड नहीं है। एक्चुअली क्या है ना कि एक ग्रुप में अगर आप राइड करते हो और इंटरकॉम यूज़ कर रहे हो ना, तो हो सके तो सारे लोग एक जैसे इंटरकॉम रखो। अब जैसे इस ग्रुप में क्या है कि सबके पास अलग अलग इंटरकॉम है, तो ज़्यादातर लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते। तो ये एक सजेशन है कि अगर आप ग्रुप में राइड करते हो 3 या 4 लोग या जो भी, तो ट्राई करो कि सेम इंटरकॉम यूज़ करो, मतलब किसी भी ब्रांड का, बट सेम अगर लोगे ना तो कनेक्टिविटी इजी रहेगा। यह है GS310 स्पोर्ट्स एडिशन, ये मेरी बाइक नहीं है। और एक बात तो है कि इसमें वो कंफर्ट नहीं आ रहा, सेम ही बाइक है, मतलब GS ही है, लेकिन कहते हैं ना कि अपनी बाइक अपनी होती है यार। हो सकता है ज़्यादा चली नहीं है इसलिए सीट का, ये देखो ये बाइक हिला हिला के चेक कर रहे हैं भाई राहुल भाई। तो अभी सीट का जो सस्पेंशन है, मतलब है कुशन, कुशनिंग वगैरह, वो लूज़ नहीं हुई है आई थिंक, ज़्यादा राइड नहीं की गई है बाइक। तो एक्चुअल सीन क्या है, क्यों मैंने न्यू बाइक ली है राइड के लिए, ये मैं बताऊंगा आपको व्लॉग में आगे। तो व्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी बढ़िया व्लॉग होने वाला है आज। और आज की राइड है टू पन्ना फॉरेस्ट रिजर्व फ्रॉम लखनऊ टू MP। तो वहाँ जाएंगे और छोटी राइड है, वीकेंड राइड है 3 दिन की, एक दिन स्टे करेंगे, सफारी करेंगे, यही सब बाकी व्लॉग्स में आपको दिख जाएगा। तो भाई हैं सेल्फी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो सेल्फी खींचेंगे साथ में अभी और उसके बाद निकलेंगे आगे। सुबह सुबह यहाँ पे भीड़ लगी है, ट्रैफिक लगा हुआ था, देखते हैं क्यों। तो यहाँ शायद किसी बाइक वाले का एक्सीडेंट हुआ है। ये आ गए हम लोग रायबरेली रोड पे, ये रायबरेली रोड स्टार्ट होने वाला है यहाँ से, और ये है शहीद पथ। तो बस लखनऊ से बाहर निकलने ही वाले हैं और ये मोहनलालगंज होते हुए निकलेंगे आगे। बाइक में सबकी पता नहीं फ्यूल है या नहीं, हो सकता है शायद बीच में एक फ्यूल ब्रेक लें और एक ब्रेक खाने के लिए, ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए। सोलो राइड के कंपेरिजन अगर ग्रुप में राइड करोगे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज ज़्यादा लोग होते हैं, सबका अलग अलग डिपेंडेंसी होता है। ये XR 900 कितनी बेहतरीन लग रही है राइड करते हुए, ये देखो रियर टायर भी इसका काफ़ी ज़्यादा वाइड दे रखा है और जो इसका रोड प्रेजेंस है ना काफ़ी बेहतरीन है भाई, काफ़ी बढ़िया बाइक लग रही है। और पावर तो है ही, 900 सीसी की बाइक है, ये देखो जरा सा थ्रॉटल लिए कि गायब लो बाइक ये क्लोज से देखो रेड कलर में भाई कितनी बेहतरीन लग रही है यार, एकदम मज़ा आ गई है बाइक को देख के। पहली बार मतलब राइड करते हुए देख रहा हूँ मैं, ये है पंकज भैया और बाइक देखिए कितनी शानदार लग रही है राइड करते हुए देखो समझ गए कि इनको रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं थोड़ा आगे आ गए हम लोग और अभी देखो फ्यूल रेंज इसमें है कम, तो फ्यूल डलवा लेते हैं पेट्रोल पंप पे। और एक भैया मिल गए, हाँ एक भाई मिल गए, ये माय नेम इज उत्कर्ष तिवारी फ्रॉम लखनऊ, मैं भी रहता हूं। तो ये भी लखनऊ से ही है, माय जॉब हॉस्पिटल, मैं भी व्लॉगिंग बनाता हूं एसी पीजे हॉस्पिटल से रिलेटेड। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये भी मतलब व्लॉगर ही है, पता नहीं हो सकता है मुझसे बड़े कितने सब्सक्राइबर है आपके। एक्चुअली मेरा चैनल पहले था, अच्छा अच्छा 10,000 सब्सक्राइबर हो गए थे, मेरा हैक हो गया था, फिर से अभी कंटिन्यू स्टार्ट, तो मेरे अभी उतने नहीं है, 3,000 ही हुए। तो अच्छा लगा मिलके, हाँ तो अच्छा लगा मिलके आपसे। तो फ्यूल डलवाते हैं और निकलते हैं आगे। 8:15 के करीब राइड स्टार्ट करी थी और अभी हम लोग राइड कर रहे हैं रायबरेली रोड पे और बचरावा आने वाला है शायद, और यहाँ से करीब 243 किलोमीटर है डेस्टिनेशन जहाँ हम लोग जा रहे हैं पटना MP में। सामने जो है ये है निखिल भाई, मेरे सामने वो है पीयूष भाई और आगे देखो 6-7 राइडर्स हैं और मतलब करीब करीब 10-12 लोग हैं। ये देखो आमिर भाई निकल गए आगे, किसी भी राइड पे जाते हैं आमिर भाई और यही ऑर्गेनाइज करते हैं राइड और यही राइड बाइक लेके जा रहे हैं, और इन्होंने ये एक बाइक मुझे दी है और एक मैं अपनी लेके जा रहा हूँ। सामने देखो वो आ गया है टोल, तो दिन का पहला टोल है। तो जैसे हमेशा बोलते हैं कि हमें बाइक से तो निकल जाएंगे साइड से कुछ कुछ हाईवेज आपने देखे होंगे जहाँ टोल टैक्स पड़ता है बाइक के लिए भी, तो वो हाईवेज जो होते हैं वो एक्सप्रेस वेज होते हैं जहाँ पे एक स्पीड जो होती है मिनिमम लिमिट होती है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द एक्सप्रेस वेज पे 80 या 100
लिमिट होती है, तो वहाँ पे बाइक का भी टोल देना पड़ता है। जैसे कि लखनऊ में आप लखनऊ से बाहर निकलोगे आगरा की तरफ, तो आगरा एक्सप्रेसवे हो गया, बलिया एक्सप्रेसवे हो गया, इन सब पे बाइक्स का भी टोल पड़ता है। तो ये लेके जा रहे हैं G310R और मेरा बैग बांध रखा है पीछे, ये जो छोटा सा बैग इन्होंने बांध रखा है ये है मेरा बैग। और क्योंकि मैं GS चला रहा हूँ तो अपना जो इनका बड़ा बैग है वो इन्होंने मेरे बाइक में बांध दिया। ज़्यादा लंबी राइड है नहीं, 2 या 3 दिन की है, तो लगेज ज़्यादा कैरी करना नहीं है। तो थोड़ा सा रास्ता गलत हो गया, मतलब गलत नहीं हुआ लेकिन थोड़ा घूम के आना चाहिए था। हम लोग दूसरे साइड से आए, तो अभी ये जो ब्रिज है ना इसके ऊपर से जाना है, तो ऐसे ये देखो नीचे से जा रहे हैं, अब वहाँ से आगे से यू टर्न लेके ये ब्रिज के ऊपर जाएंगे। हम लोग दूसरी तरफ से आए, बीच में कोई कट नहीं था तो वहाँ से थोड़ा सा घूमना पड़ा। ये देखो भाई बच्चे हैं, इनको बड़ा अच्छा लगता है राइडिंग्स और बाइक वगैरह देखना। तो हम लोग आ गए और पीछे कुछ राइडर्स रह गए, और ठंडी में भाई धूप सेकने का थोड़ा मौका मिल गया हमें। 5-10 मिनट खड़े होके तब तक धूप सेक लेंगे जब तक दूसरे राइडर्स आएंगे। तो देखो भाई मेला लगा हुआ है, बाइकर्स हैं, इतने सारे बाइक्स एक साथ जा रही, तो लोग जैसे भीड़ इकट्ठा होकर देख रही है बाइक। हाईवे वगैरह है वो यहाँ नहीं है, इन सिटी होके जा रहे देखो गली गली से। और ये जो एरिया है ये है लालगंज, तो लालगंज पूरा घूमते हुए जा रहे हैं भाई। तो ये रोड थोड़ा ख़राब है, मतलब पन्ना जिस वे से जा रहे हैं हम लोग बांदा होके शायद फतेहपुर होके जाएंगे, और ये रोड की स्थिति बहुत बेकार है, और ये सिंगल लेन रूट है अभी तक। तो फिलहाल धूल फाँकते हुए आ रहे हैं, एकदम धूल धूल हो गया है सब। यहाँ से थोड़ा रोड भी ठीक लग रही है, अच्छी रोड मिल जाए बस इसी की उम्मीद है, क्योंकि लगभग 100 किलोमीटर कवर करने वाले हैं सिंगल रोड से ही आ रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा धूल, बहुत ही ज़्यादा गड्ढे, यही सब देखते हुए आए। और फिलहाल देखो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन वगैरह सब अभी चल ही रहा है, ये एक ही लेन चालू है, इधर वाली लेन अभी तक स्टार्ट नहीं है। यहाँ पे देखो ये सब कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो रास्ता भी सही नहीं है थोड़ा। 100 किलोमीटर राइड कम्प्लीट हो चुकी है, और ये है सूर्यवंशी ढाबा, यहाँ करेंगे ब्रेकफास्ट। और ये आदि भाई है, और इनकी बाइक भाई 850 GS, और इन्होंने बहुत राइड लगाई है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया हुआ है। तो अब यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, कुछ खाएंगे हम लोग। अरे 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 खाओ खाओ क्या आ गए भाई, पनीर पराठे इसमें मिर्च भरे पड़े हैं, ले लो कोई मिर्च नहीं खाएगा लो। अरे इधर इधर फिर से तो भाई ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, कंटिन्यू करते हैं आगे की राइड। ये देखो भाई कैमरामैन नए हो का, एकदम नए हैं मैं, देखो ढक्कन भी नहीं हटा, बिना ढक्कन लगाए कैसे कर लोगे। ये होता ये है कि जब आप बचपन में पोलियो ना पिए चलाई जाती है, तो ये देखिए नतीजा देख लिया, पोलियो ना पीने का नतीजा। बहुत टाइम हो गया, और अभी यहाँ से अराउंड 170 किलोमीटर और राइड करना है, और टाइम हुआ है 11:21, तो 11:21 हो गया है भाई। भाई ब्रेकफास्ट वगैरह करके वी आर बैक ऑन द रोड्स, और यहाँ से अराउंड 5 आवर्स और राइड करनी है। ये देखो भाई ये गंगा ब्रिज पड़ गया, ये है गंगा नदी और ये है गंगा रिवर ब्रिज, तो जय हो गंगा मैया की। फिलहाल पानी ज़्यादा नहीं है, देखो इसमें बीच में खेती कर रहे हैं लोग, गंगा नदी है और देखो सूख गई है भाई, पानी ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। और ये पड़ता है, हम लोग मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स फतेहपुर, उससे पहले ही मतलब लखनऊ से निकले 100 किलोमीटर करीब, जहाँ से ब्रेकफास्ट करके निकले, थोड़ा सा आगे ही है गंगा ब्रिज, तो फतेहपुर में एंटर कर रहे हैं हम लोग, अब फतेहपुर क्रॉस करते हुए जाएंगे। ये देखो लग रहा है अमीनाबाद वाली मार्केट आ गए लखनऊ के। पता नहीं कौन से एरिया से जा रहे हैं, गली के अंदर से होते हुए, और इतना ज़्यादा यहाँ पे क्राउड है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है भाई, बिल्कुल 10 की स्पीड में चल रहे हैं, देख लो गलियों के अंदर रेंगते हुए। ये है चौगलिया लाठी मोहाल रोड, तो ऐसा लगा ना कि हम वापस लखनऊ में अमीनाबाद घूम रहे हैं। ये पूरी मार्केट है इस एरिया की, आई थिंक सब कुछ यहाँ बिकता है। और ये है फतेहपुर में, फतेहपुर का है लाठी मोहाल रोड, देखो यहाँ पे हर चीज़ की दुकान है यहाँ पे,
जूते कपड़े सब बिक रहा है सब, और एकदम मेला लगा ही हुआ है, भीड़ पहले ही सी है, और हम लोग जिधर से निकल रहे हैं तो लोग देख ही रहे हैं। ऐसे जाएंगे तो ऐसा लग रहा है कि शाम तक पहुंच ही जाएंगे भाई। 5 घंटे गूगल सही दिखा रहा है। 12:30 बज चुके हैं और अभी भी हम राइड कर रहे हैं फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में, और ये रूट थोड़ा सा डिफिकल्ट, मतलब कि इस रूट पे ट्रैफिक ज़्यादा है और ये सिंगल रूट है, देख रहे हैं आप, एक ही लेन है, और इसमें बीच बीच में विलेजेस हैं तो जो लोग हैं वो क्रॉस करते रहते हैं रोड, और बीच बीच में जानवर भी बहुत सारे हैं, अचानक से गाय आ जाती है, कहीं कुत्ता आ जाता है। तो भाई अगर इस रूट से आप आते हो ना तो थोड़ा ध्यान से चलिए, बहुत ज़्यादा स्पीड में मत चलिए कि कंट्रोल नहीं कर पाए कोई अचानक से अगर सामने आता है तो थोड़ा स्लो ही चलिए, मतलब 50-60 स्पीड भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं ना तो बड़ा मज़ा आती है भाई, अच्छा लगता है ऐसे ब्रिज को क्रॉस करो तो। तो एक ही दिन में भाई दो दो पवित्र नदियों के दर्शन हो गए। ये जो ब्रिज है ये है यमुना ब्रिज और ये यमुना रिवर है। तो रास्ते में बीच में आपने देखा था गंगा रिवर थी, गंगा ब्रिज पड़ा था, ये है यमुना ब्रिज। तो अभी हम लोग ने फतेहपुर शायद क्रॉस कर लिया या फिर एकदम फतेहपुर क्रॉस करने ही वाले हैं। आइडिया नहीं लग पा रहा है क्योंकि नेविगेशन नहीं लगा रखा है भाई, लोकेशन वगैरह नहीं देख रहे, बस ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं। ये देखो सामने लाइन से जा रहे हैं राइडर्स, कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और मैं 11, तो 11-12 बाइक्स हैं, बढ़िया लग रहा है। और ये राइड छोटी राइड है लेकिन यार जब अच्छे लोग मिलते हैं ना तो राइड भी अच्छी हो जाती है। हाय बच्चे लोग भाई देखो सब हाय कर रहे हैं। और ये देखो यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है कुछ, तो पाइपलाइन पड़ रही है शायद नाले के लिए, पाइपलाइन कह लो टनल कह लो जो भी कह लो। अभी हम लोग हैं बांदा में राइड कर रहे हैं, फतेहपुर क्रॉस कर चुके हैं। अगर आपको खजुराहो जाना है तो भी इसी रूट से जा सकते हो, चित्रकूट भी इसी रूट पर पड़ता है, भरतकूप, ये सब MP में अगर जाना है आपको तो ये देखो बोर्ड लगा हुआ चित्रकूट, खजुराहो, कालिंजर, भरतकूप सब इधर से ही है स्ट्रेट। तो अभी भी हम UP में हैं, अभी तक MP में घुस नहीं पाए हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 5 घंटे हो गए हैं राइड करते करते, तो बहुत ही स्लो चल रही है राइड, लेकिन कर भी क्या सकते हैं क्योंकि इतना ट्रैफिक है तो ऐसे ही चलना पड़ेगा। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई राइड में, देखो इधर से टर्न था और पंकज भाई की बाइक स्किड करके नीचे चली गई, इसकी नई बाइक है तो थोड़ा दिक्कत हो गई, तो भाई यहाँ रुकना पड़ गया क्योंकि ये टर्न देखो आप कैसा है पूरा, ये टर्न पे बाइक स्किड हो गई थी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ डैमेज नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं आई, तो फिर से चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ये नई नई बाइक थी भाई राइड में ये सब हो गया लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है कुछ बाइक में, ना बाइक में नुकसान हुआ है ना भैया को कुछ चोट लगी, सब बढ़िया। लो भाई हम लोग निकलने ही वाले थे तो कि एक और एक्सीडेंट हो गया, वो देखो एक और भाई गिर गया स्किड करके तो ये मोड़ ना, ये मोड़ ही खतरनाक है, और यहाँ पे जो लोग हमसे पूछा तो बोला दिन भर में होता रहता है ऐसा, 5-6 लोग गिरते ही रहते हैं। तो ये देखो ये कोई और है, हमारे ग्रुप से नहीं है लेकिन आमिर भाई उसकी हेल्प कर रहे तो ये मोड़ थोड़ा सा, तो भाई ऐसे मोड़ से पहले ना हो सके तो थोड़ा धीरे चलिए, कंट्रोल करिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये एकदम से मोड़ है और ये पूरा है ऐसा, अभी हम लोग निकल ही रहे थे कि तब तक दूसरी खराब मोड़ है यहाँ पर, बहुत आराम से आए। हाँ तो अभी तो ये बहुत ही गंदा मोड़ है, तो ये पूरा ऐसे देखो ऐसे और हम लोग निकल, तब तक एक और भैया गिर गए फिर से भाई, फ्यूल ब्रेक हो गया है, रेंज फची है 184 और बाकी सबको भी फ्यूल डलाना था तो फ्यूल ब्रेक होगा, फ्यूल डलाएंगे फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फ्यूल भरवा के फिर आगे निकल चुके हैं, राइड फिर से कंटिन्यू हो गई, लेकिन रास्ता देखो भाई फिर से वही ट्रैफिक है, वही जाम, वही ख़राब रास्ता, लग रहा है कि शाम हो जाएगी पहुँचते 5 बज जाएंगे, मतलब कि भाई समझ लो सुबह 8 बजे राइड स्टार्ट करी, पूरे 9-10 घंटे लग जाएंगे सिर्फ 200 किलोमीटर कवर करने में, 260-280 किलोमीटर थे बस, 300 से भी कम। ये देखो भाई बोर्ड लगा हुआ है, पन्ना दिखा रहा है यहाँ से 104 किलोमीटर, तो पन्ना मतलब ये जो बोर्ड का लोकेशन होता है थोड़ा अलग होता है, लेकिन हम लोग जहाँ जा रहे हैं, जहाँ स्टे करने वाले हैं, मतलब एक वैली कैंप है, बियर वैली कैंप पन्ना फॉरेस्ट के अंदर ही, वो अभी अराउंड 80-85 किलोमीटर बचा है, जहाँ पे भी भाई हम लोग की हल्की धीमी होती है रुकती है तो लोग जो है देखने लगते हैं देखो तो 42 किलोमीटर अभी और राइड करनी है और उसके बाद हम पहुँच जाएंगे डेस्टिनेशन। और आज का प्लान क्या है पहुँच के देखते हैं।
वैसे तो आज कुछ प्लान है नहीं और वहाँ पहुँच के रेस्ट ही करने का प्लान है, लेकिन फिलहाल अगर कुछ चेंज होता है तो देखेंगे, अदरवाइज पहुँच के रेस्ट करेंगे। तो ऐसे देखो ऐसे हजार्ड्स आते हैं, अचानक से कोई भी बीच में आ जाता है, जानवर इंसान ये सब देख के चलना है भाई। तो देखिए पुलिस वाले भी अप्रिशिएट करते हैं, इनको अच्छा लगता है फोटो पूछ रहे, मतलब इन लोगों ने रुकाया है लेकिन चेकिंग के लिए नहीं, ये बस हमसे बात कर रहे, पूछ रहे कहाँ जा रहे हैं लोग, और इनको भी बाइक्स देख के अच्छा लग रहा है, फोटो वोटो क्लिक कर रहे हैं, वो देखो देखो फोटो खिंचा रहे हैं। देखो सारी टीम इकट्ठा हो गई है तो फोटो शूट हो गया, तो काफ़ी अच्छा लगा। बाइकर्स का क्रेज अलग ही लेवल पे है भाई, देखो पुलिस वाले भी रोक के फोटो खिंचवा रहे हैं। इनका चेक पोस्ट है तो एक्चुअली ये चेकिंग करते हैं, बट की पूरी टीम है, उन लोगों ने हमें रोका और कुछ बात करी कहाँ जा रहे हैं कैसे जा रहे हैं भाई, सब जो कॉमन क्वेश्चंस पूछते हैं अक्सर लोग, और फोटोज वगैरह क्लिक कराई तो बढ़िया लगा। करीब 20 किलोमीटर बचा है यहाँ से, बच गए हैं 4:15। सामने है पहाड़ पूरा और ये पूरा हरा भरा, बहुत बढ़िया लग रहा है। सूर्य देवता हमारे सर पे है, शाम होने वाली है, सूर्य ढलने वाला है। वो ऐसा कुछ दिखता है ना जब भी ग्रीनरी दिख जाती है या फिर नेचुरल सीनरी दिख जाती है ना, तो मन खुश हो जाता है, एकदम मजा आने लगती है, राइड में थकान कम हो जाती है। यहाँ से जो हमारा डेस्टिनेशन है वो बचा है सिर्फ 10 किलोमीटर, 15-20 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो ये देखो सारे राइडर्स लाइन से जा रहे हैं भाई, कितना बढ़िया लग रहा है दिख के। तो ये देखो बोर्ड दिख गया भाई, जंगल स्टार्ट, फॉरेस्ट स्टार्ट, तो यहाँ से जंगल वाला एरिया स्टार्ट हो चुका है, पन्ना फॉरेस्ट रिजर्व। ऐसे जिगजैग रास्ते बहुत है, देखो बोर्ड लगा हुआ है ना, जिगजैग करके रास्ते है, लेफ्ट राइट करके हर थोड़ी दूर पे टर्न्स हैं। देखो बोर्ड लगा हुआ है, मडला पहुँच चुका है और जंगल वाला आप एरिया देखो स्टार्ट हो ही चुका है। तो रास्ते में बीच बीच में जंगली जानवर भी मिल जा रहे हैं, बंदर वगैरह घूम रहे हैं एकदम, और जंगल के बीच ही है स्टे हमारा जहाँ पे हम आज रुकने वाले हैं। आज क्या मतलब नेक्स्ट 3 डेज, आज कल और परसों, ऑलमोस्ट पूरा दिन राइड करके पहुँचने वाले हैं डेस्टिनेशन पे। एंड यहाँ से अभी बचा है सिर्फ 1.5 किलोमीटर। तो ये देखो हम लोग पहुँच ही गए हैं ऑलमोस्ट, और ये है बियर वैली कैंप की देखो गाड़ी खड़ी हुई है, तो जिस कैंप हम लोग जाने वाले हैं उसकी ही गाड़ी खड़ी हुई है। तो पहुंचते ही देख लो डीजे वीजे बजने लगा है, यहाँ पे गाना डीजे वाला निकला है। अच्छा करीब 600-700 मीटर बचा होगा आई थिंक। तो देखो कितना सुंदर गेट बना हुआ है भाई गांव के अंदर जाने के लिए, देख रहे हो सकले उतर गई हैं 9 घंटे राइड करके, हालत देखो इनकी, बढ़िया सा गेट बना हुआ है। ये तो कोई धाम है, यहाँ पे 4-5 किलोमीटर पे बजरंग बली जी का मंदिर है, उसके लिए गेट बना हुआ है। यहाँ से हम लोग थोड़ी दूर पे है, बस 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। आगे बियर कैंप वैली वाली जो गाड़ी थी वो हमें गाइड कर रही है, वो यहाँ तक आ गए थे। लो भाई बैग गिर गया, बच गया है, अभी पहुँच नहीं पाए हैं कैंप क्योंकि बाकी की टीम जो है ना वो सारी आगे पहुंच गई है, हम लोग पीछे रह गए थे, निखिल भाई मेरे पीछे आ रहे थे, और ये जो बाइक मैं राइड कर रहा हूँ इसमें विशाल भाई का बैग बंधा हुआ था, वो गिर गया था लूज़ होके, तो उसको उठाने और दोबारा से बांधने के चक्कर में हम लोग पीछे रह गए, हम दो लोग। तो शाम हो गई और देखो जंगल के बीच में राइड चालू है। ओह ये दिखाई नहीं था, तो आ गए भाई, एंटर कर लिया ये गेट जो पड़ा, ये बियर वैली कैंप का गेट है, के अंदर इंटर कर लिया है भैया। और ये देखो हमारी टीम पहले से पहुंच चुकी है यहाँ पे, गाड़ी वाड़ी लगी हुई है। तो भाई फाइनली पहुंच गए बियर वैली कैंप, पन्ना फॉरेस्ट रिजर्व के अंदर। तो भाई शाम के 5:30 बजे पहुंच गए हैं बियर वैली कैंप, जो कि है पन्ना फॉरेस्ट रिजर्व के अंदर। और ये यहाँ पे देखो मेरे पीछे ये ऐसे कॉटेजेस हैं छोटे छोटे बने हुए, जिसमें हम लोग नेक्स्ट 2 or 3 डेज स्टे करने वाले हैं। तो कुछ ये है ऐसा, ये है पार्किंग जहाँ बाइक पार्क है, और इधर से ही हम लोग एंट्री करके आए थे, यहाँ से एंटर करके आए, और यहाँ पे देखो लाइन से कॉटेजेस बने हैं, ये एक कॉटेज है, ये कॉटेज है, वो कॉटेज है, ऐसा लाइन से कॉटेजेस हैं जो कि हम लोगों ने लिए हैं ग्रुप राइड में आए, तो शेयरिंग बेसिस पे मिले, दो लोग एक टेंट में। ये देखो हमारे
दो साथी, एक ट्रुथ ये खो गए थे। थकान तो हो ही गई है, 9-10 घंटे की राइड लगभग हो ही गई। चाहता हूँ आपको कि टेंट के अंदर का कैसा व्यू है। तो ये है कैंप साइट के अंदर टेंट्स, जो कि शेयरिंग बेसिस पर हम लोगों को मिले। यहाँ पे देखो सिटिंग अरेंजमेंट है, बैठ सकते हैं। अगर ज़्यादा ठंडक हो तो यहाँ पे देखो बोनफायर भी के लिए, बोनफायर के लिए आग वाग है। यहाँ पे ग्रिल वगैरह वाला सिस्टम भी है। ये टेंट के अंदर फैसिलिटीज़ आप देखो, यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, ये क्लोथ्स के लिए हैंगर वगैरह दे रखे हैं, एंड ये एक बड़ा सा डबल बेड है, लैम्प, मतलब जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ चाहिए स्टे करने के लिए सब दे रखा है। ठंडी है तो ये देखो यहाँ पे हीटर भी दे रखा है, और ये बल्ब देखो ना लैंटर्न के अंदर लगे हुए, कितने प्यारे लग रहे हैं। एंड गर्मी में आते हो तो फैन भी है, और टेंट के अंदर ही एक छोटा सा बाथरूम भी दे रखा है कंबाइंड। ये स्विचेस देखो भाई, ये एंटीक स्विचेस हैं जो पहले कभी घरों में आपने देखे होंगे। तो ये है एंट्री, जो कि रात में ज़िप है तो ज़िप से बंद कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे एक विंडो एसी भी दे रखा है, ये देखो, अगर गर्मी में आते हो तो एसी भी है। तो फाइनली दिन भर 10 घंटे की राइड करने के बाद पहुँच चुके हैं बियर वैली कैंप पन्ना फॉरेस्ट रिजर्व में, एंड कैंप का व्यू आपने देखा अभी कैसा है। तो बेसिक जितनी भी फैसिलिटीज़ चाहिए एक इंसान को रहने के लिए, बेसिक क्या, बेसिक से अच्छी फैसिलिटीज़ दे रखी है, मतलब एसी, हीटर सब कुछ तो प्रोवाइड किया हुआ है टेंट के अंदर। और मैं अभी टेंट के अंदर ही हूँ, अब यहीं पे करेंगे आज रेस्ट, एंड मे बी कल प्लान है अर्ली मॉर्निंग फॉरेस्ट सफारी जाने का। तो अभी तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, चेंज वेंज करते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट करने के बाद डिनर का देखते हैं क्या सीन है। भाई रात के 11 बज चुके हैं और फाइनली डिनर वगैरह करके अब रेस्ट करने का टाइम हो गया है। तो ये फ़िलहाल देखो टेंट में आ चुके हैं और इसी टेंट में आज नाइट स्टे करना है। आज क्या मतलब नेक्स्ट 3 डेज़, एंड आज की राइड थोड़ा थका देने वाली थी, मतलब 9-10 घंटे हम लोगों ने राइड करा लखनऊ से पन्ना फॉरेस्ट रिजर्व, एंड करंटली लाइक वी आर स्टेइंग हियर इन बियर वैली कैंप। तो आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।